हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाऊंगी काले चने जो मैंने ऑलरेडी भिगोए थे। अब मैं इसको प्रेशर कुकर में पकाने रख दूंगी। प्रेशर कुकर में मैंने ऑलरेडी 5 से 6 गिलास पानी के डाल दिए है। अब मैं इसमें चने ऐड कर दूंगी और इसमें ऐड करूंगी मैं नमक 2 से 3 स्पून। नमक मैं इसीलिए इसमें अभी ऐड कर रही हूँ पकाने के लिए, ताकि नमक चने में अच्छे से मिक्स हो जाए। और थोड़ा सा डाल दियो ऑयल। अब हम चने को पकाने रख देंगे। मैंने चने को पकाने रख दिया है। अब हम इसमें 4 से 5 सीटी आने देंगे और मेरे चने पक के रेडी हो जाएंगे। मेरे चने पक गए हैं। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। अब हम ऑयल को गर्म होने देंगे। ये मेरे सारे मसाले हैं इसके लिए, जो प्याज और टमाटर को मैंने ग्रेन किया था, मिर्च को मैंने चॉप कर दिया था, अदरक को मैंने कुंडी में पीस लिया था। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। हमने इसमें जीरा ऐड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का दरदरा पेस्ट। इनको अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे, ब्राउन होने देंगे। अब हम इसमें फिर ऐड करेंगे प्याज जो मैंने ग्राइंड किया हुआ था। अब हम प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। फ्रेंड्स, आप प्याज को चॉप करके भी इसमें ऐड कर सकते हो, छोटा छोटा चॉप करके, पर मैंने यहाँ पे ग्राइंड किया हुआ था। अब हम प्याज को भी अच्छे से पकने देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्च जो मैंने चॉप की हुई थी। हरी मिर्च को भी आप ग्राइंड करके से भी डाल सकते हो, चॉप करके भी डाल सकते हो, तो मैंने चॉप की हुई थी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मिर्च, हरी मिर्च। हरी मिर्च को ऐड कर दिया। अब हरी मिर्च को भी थोड़ा सा इसमें हम पकने देंगे। फ्रेंड्स, और भी आप इसमें बहुत सारे मसाले ऐड कर सकते हो, पर मैं इसको यहाँ पे सिंपल तरीके से बना रही हूँ, ज़्यादा मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लाल पाउडर मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक। नमक में थोड़ा सा डाल ऐड करूँगी, क्योंकि नमक मैं ऑलरेडी पकाने के लिए डाला हुआ था, तो थोड़ा सा ही डालूँगी। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर, टमाटर का पेस्ट जो मैंने ग्रेन किया हुआ था। टमाटर को भी आप ऐसे ही चॉप कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे ग्राइंड किए हुए थे। अब मैं हम टमाटर ये सारे मसाले को अच्छे से पकने देंगे, तब तक मैं ग्राइंड करूँगी चने, ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी हो। मेरे चने ग्राइंड हो गए हैं और हमारा मसाला भी पक के रेडी हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। मेथी आप लास्ट में भी डाल सकते हो, पर मैं ऐसे डाल रही हूँ, मुझे ऐसी अच्छी लगती है। इससे चने में अच्छा सा टेस्ट आएगा और अच्छी सी फ्रेग्रेंस आएगी। मेरा मसाला पक के रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चने। अब हम इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसमें। अब हम चने को थोड़ी देर बॉईल होने देंगे, 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे मसाले अच्छे से चने में मिक्स हो जाए। आप देख सकते हो चने बॉईल हो गए हैं और मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हरा धनिया चॉप किया हुआ। इससे खाने में, उससे चने में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर फ्रेंड्स आपको पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम।